दरभंगा के शोभन में कांग्रेस नेता जियाउर रहमान हत्याकांड में बीते 3 दिन आरोपितों की गिरफ्तारी कर वाहवाही लूटने वाली दरभंगा पुलिस को अब मृतक के परिवार ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को बचाने का भी आरोप परिवार ने प्रशासन पर लगाया है। आपको बता दें कि इस मामले में परिवार ने 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था, जबकि अभी तक केवल 3 को ही पुलिस गिरफ्तार कर सकी है। वहीं परिवार वाले पुलिस के बयान से बिल्कुल अलग इस पूरे मामले को भूमि विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। जावेद मुख्य आरोपी है, आपके नजर में कौन आरोपी है? मुख्य आरोपी नहीं, जावेद सिर्फ मोहरा है, उससे फोन करके बुलाया है, सिर्फ वो फोन करके बुलाया है, वो कुछ नहीं किया है। करने वाला छोटू और 3 आरोपी जो पकड़ा गया वो है और डब्लू है, और उससे भी ज़्यादा वारिस है, और उसके भी आगे कुछ लोग हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है क्योंकि ये मुझे जिस तरह से बताते थे लोगों के बारे में ना, मैं जानती हूँ, और वारिस इससे पहले भी इन पर हमला करवा चुका है गोलियों से, गुंडा भेज कर। तो सरकार से मेरी अपील है कि सही से जाँच की जाए और सारे आरोपियों को सामने लाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, या तो उम्र कैद या तो फांसी। पुलिस का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसको आपने सुना है क्या? जी नहीं। मैं आपने नहीं सुना? नहीं, मैं वो नहीं सुना। आप क्या मांग करती हैं अभी? सही से जांच की जाए और सही से जांच की जाए और डब्लू और वारिस को ये गाँव में खुला घूम रहा है उसको अरेस्ट किया जाए। आपको डर है? डर भी है आप लोगों को जानकर खतरा है से कोई? मुझे डर था, इस वजह से मैं अपने बेटा को 2019 में इस गांव से निकलवा चुकी हूं। मैं अपने बेटा को यहां नहीं रखती हूं क्योंकि इससे पहले मेरे शौहर पे हमला हो चुका है, उस डर से मैंने अपने बेटा को सोबन गांव से निकलवा दिया था। वो बाहर रहते हैं, मेरे बच्चा दूसरे प्रदेश में रहके पढ़ते हैं। 7 दिन पहले जब ये हादसा हुआ 7 तारीख को, उससे पहले कभी बब्बन जी ने कुछ आपको कहा था कि कुछ ऐसा मसला जो उनको डर है? जी जी जी, डब्लू से मुलाकात भी हुई है मंगल को, उनका कुछ उठपटांग वो बोला भी है। आप उसको हिरासत में लीजिए, रिमांड में लीजिए, उस पर कार्रवाई शुरू कीजिए, उसको डंडा कीजिए, वो सब बोलेगा। उसको पूछताछ कीजिएगा, मेन अक्यूज़ को, तो और भी बड़ा आपको ग्रुप मिलेगा। ये पूरा साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत किया। मेरे हस्बैंड भी ना कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं थे, वो बहुत पहुँची हुई चीज़ थे, उनको पता है, लेकिन उनको भनक नहीं लगी इस साजिश की और उनके साथ ये ट्रैप किया गया है उनको। जो लोग गुट फेत में बुला करके ऐसा किया है। और सबसे बड़ी बात है, फोन लगा कर तंग हो चुकी हूँ, बार बार बोली, उनका कॉल ट्रेस क्यों नहीं किया गया? कॉल ट्रेस क्यों नहीं गया? अब तक फोन की जांच क्यों नहीं हुई? अब तक पुलिस के हाथ में उनका फोन क्यों नहीं आया? डिमांड ये है, जिस से उनको मारा गया है, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है उन पे वार करने के लिए, अभी तक पुलिस की हिरासत में वो रिमांड में क्यों नहीं है? रिमांड में आना चाहिए, जो अक्यूज्ड है वो घूम रहा है, नहीं हुआ है वो। जो मेन अक्यूज्ड है वो खुला घूम रहा है, उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, तो उनको जल्द से जल्द रिमांड में लिया जाए, उससे पूछताछ किया जाए। ये बड़ा साजिश का एक हिस्सा है, तो उससे वेपन बरामद नहीं हुआ, उनका फोन बरामद नहीं।